गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज ना बहुत ही खुशी वाला दिन है क्योंकि आज हमारे घर में ना न्यू कार आ गया है। क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना होता था तो हम लोगों को कैब बुक करना पड़ता था और वो भी सिर्फ लिमिटेड प्लेस पर ही जाना होता था। तो अब तो खुद का गाड़ी आ गया ना, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे सब अभी नहा करके रेडी हो गए क्योंकि अब गाड़ी का पूजा करना है। तो पूजा होते ही ना मैं आप लोग अपनी न्यू कार दिखाऊंगी। इतने सारे कपड़े, माँ कपड़े धो गए आज भी? हाँ, कपड़ा धोना है बेटा। इतने सारे कपड़े? भाई सबके कपड़े इतने सारे कैसे हो जाते हैं, गंदा पता नहीं। रोजाना इतना सारा ये कपड़ा तो होएगा। वो भी है। लो कड़ू। आज के मौसम इतनी ज्यादा अच्छी हुई ना, हवा चल रही है, इतनी धूप में भी हवा चल रही है। ओए दीदी, क्या कर रही है इधर? अच्छा मौसम है यार। मौसम तो अच्छा है लेकिन तू इतनी धूप में कर क्या रही है? लेकर आयो टाइम लैप्स लगाने के लिए। तू मेरे को वो ला कर देगी क्या? क्या? पंकज का रिंग लाइट वाला जो है। रिंग लाइट वाला किधर है पता नहीं। हाँ जा रही, रुक जा यार एक बार, हवा मेरे को भी तो मजे लेने दे थोड़ी। कितनी मस्त मौसम हो रही यार, इतनी धूप होते हुए देख हवा ने कितनी अच्छी चल रही है। अच्छी बरसात आने वाली है। वही तो देख रही हूँ मैं, बारिश हो जाए यार। हर दिन ऐसे ही करते हैं यार, बस हवा चलता है बारिश होती है तो यार होने तो दे, हो ही नहीं रही ना। दीदी ने मेरे को कैमरा वाला रिंग लाइट लाने के लिए भेजा, देखती हूँ किधर पड़ी है। टाइम लैप्स लगाएगी, मेरे को तो आता नहीं है। दीदी को ही आता है शायद, वही करेगी। देखती हूँ किधर रखी है वो, इसके वाले रूम में ही होगा शायद मेरे ख्याल से। दिख तो नहीं रहा वो, ये रहा। आगे मैं लेकर के इसको। दीदी ये ले। हाँ ले, पकड़ जल्दी से। कितना अच्छा मौसम है ना। हाँ अब बाल देखो कैसे उड़ रहा है, जल्दी बन गई जंगली बन गए। हाँ तो बाल तो उड़ेगा ना, हवा चल रहा है। समझ नहीं आ रहा लेकिन टाइम लैप्स लगाओ कैसे, कहाँ पर लगाओ? अरे मेरे को आता है, मेरे को जीजू ने एक बार बताया था। वो तो मेरे को भी आता है लेकिन ना बात ये है कि मैं इसे लगाऊँ कहाँ पर, मतलब कौन सा व्यू लूँ। व्यू क्या? हाँ व्यू कौन सा? तो बादल का है व्यू लगी यार, घर का व्यू थोड़ी लेना है। बादल का तो व्यू सही है लेकिन किस साइड से लूँ, इस साइड से लूँ या इस साइड से लूँ? रुक मैं बताती हूँ। तो अभी मैं और योगेश आज भी खाना बनाएंगे मिल करके। योगेश तो सब्जी बना रहे, मैं अभी चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। बंद करे तब तभी तेरा फटाफट बजे था। अच्छा तभी तुम इतना दूर है क्या? खाना बना रही है क्या? हाँ क्या कर रही है तुम? भाई अबे वो कुछ नहीं होता, जा वहाँ आराम से। तल्ले तू तल्ले, फिर समझ आया था बेटा। खाना और किधर है? खाना वहाँ टेबल पे लगा देना। अच्छा टेबल पे लेके आ गए क्या? अच्छा ये सब्जी तो योगेश ने बनाया है, ये मम्मा ने बनाया है करेला का सब्जी, और चावल और रोटी मैंने बनाया है, और ये देखो दीदी ने काटा है सलाद। आज तो सलाद कितनी अच्छी लग रही है देखने में। दीदी जल्दी कर ले थोड़ा, दो मिनट हो जाएगा। पंकज योगेश को बुला ले। हाँ बुला लेते हैं। तो अभी ना हम लोग गाड़ी की पूजा करवाने गणेश जी की मंदिर जा रहे हैं। तो वैसे मैं तो अभी रेडी हुई नहीं हूँ, बाकी सब भी रेडी हो रहे तो मैं भी फटाफट से जल्दी से जा करके रेडी हो जाती हूँ। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाकी सब भी रेडी हो चुके हैं, बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। देखो ये कहीं भी जाता है ना सोते सोते जाता है, ऐसे कोई मतलब ही नहीं है कहाँ जा रहा है कहाँ से आ रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर, ये दीदी जीजू राजा। चलो तो जा भी हम दादी, पहले मंदिर तो जाए हम। फूल नहीं लेना क्या? इस मंदिर में ना वीडियो और बनाना अलाउ नहीं था, ना कि फ़ोटो वोटो लेना, कुछ अलाउ नहीं है। मतलब हर मंदिर के होते हैं यार ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो छुप करके बना लिए वो तो बना ही लेते हैं। सबसे पहले तो हम गणेश जी के मंदिर के, जिसमें हम सब ने पूजा तो कर लिया, अब हम लोग शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं।
तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं शीतला माता की मंदिर। मंदिर गए नहीं है अभी, हम लोग पार्किंग के लिए रुके हुए हैं, बस इसके बाद ही हम लोग मंदिर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोग को गाड़ी दिखाऊंगी। मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आप लोग को गाड़ी दिखाऊंगी, तो चलो मैं आप लोग को गाड़ी दिखाती हूँ। माता के मंदिर के अंदर और ये रहा प्रसाद। ये दीदी बाबू भी वैसे जगह हुआ है, जगह जगह ही जा रहा है, पता नहीं अंदर वीडियो और बनाना अलाउ है भी या नहीं इस मंदिर में भी। वैसे तो अक्सर मंदिर में नहीं ही रहते हैं, लेकिन इस मंदिर का तो पता नहीं, फर्स्ट टाइम आई हूँ ना मैं यहाँ पे, इसलिए तो देखते हैं अंदर। पहुंच गए अच्छे से, हमने पूजा पाठ भी कर ली और गाड़ी की भी पूजा अच्छे से हो गई हमारी। और इसे देखो आते ही सबसे पहले अपने बाल झाड़ने में लग गई, क्या ही कर ले इसका भी कोई। और इसके बेड देखो ऐसे ही रहते हैं, कहने की तो कोई बात है नहीं, ऐसे ही रहती है। तो अच्छा ही रहता है, चल ठीक है, देखी बड़ी है तेरी भी और मेरी भी। तो मंदिर से आने के बाद ना भूख लगी थी सबको, तो मम्मा खाना बना रही थी, लेकिन जीजू ने बोला लोग सबके बाहर खाना खा करके आते हैं, मम्मा पापा नहीं, क्योंकि बाबू रो रहा था इसलिए मम्मा ने बाबू को घर में रख लिया। और हम लोग को बाहर से वैसे भी कुछ खाने का मन था, इसलिए हम लोग बाहर में कुछ खाने के लिए आ गए। मैंने अपने लिए एग रोल किया था ऑर्डर, और दीदी ने अपने लिए वेज डिमसम किया था, और इनका मोमोज था। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना, और जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो भी जा करके फॉलो कर लो। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय।